Hello students, Shazadi Firdaus is here. I welcome you to the online classes of Max Divine Public School. I hope you all are fit and fine and enjoyed your holidays very well. Now it's time to get back towards the studies. I hope all you are back with more energy and enthusiasm. So without wasting our time, let's begin with the chapter. So let's start with the chapter. उससे पहले हम आपको बता दें कि आपकी यूनिट फर्स्ट है स्किल्स फॉर लाइफ एंड हमारा चैप्टर 1 है कीप अप विद द टाइम्स, समय के साथ चलते रहो या समय के साथ अपडेट रहो, ठीक है। हाउ अबाउट डूइंग थिंग्स ऑन टाइम, समय पर काम करना कैसा रहेगा। लेट अस मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप ऑन टाइम, चलिए हैबिट बनाते हैं टाइम से उठने की, एंड गोइंग टू बेड ऑन टाइम, और टाइम से सोने की या टाइम से बिस्तर पर जाने की, मतलब होता है टाइम से सोने की हैबिट बनाते हैं। वी शुड ईट ऑन टाइम, हमें टाइम पर खाना चाहिए। फिनिश आवर होमवर्क ऑन टाइम, फिनिश करना चाहिए अपना होमवर्क टाइम पर। रीच स्कूल और एनी अदर प्लेस ऑन टाइम, किसी जगह जाना है या कहीं स्कूल जाना है या कहीं और जगह पर जाना है आपको, तो हमें वहाँ टाइम पर जाना चाहिए। दिस इज़ नोन एज पंक्चुअलिटी, इसे पंक्चुअलिटी बोलते हैं। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय का पाबंद। जो समय के पाबंद बच्चे होते हैं उन्हें पंक्चुअल बच्चे बोला जाता है। क्लास में टीचर बोलती है ना, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द करेक्ट सेंटेंस अंडर ईच क्लॉक, हर क्लॉक के नीचे आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना है। तो फर्स्ट मॉर्निंग है आपका, देखिए जहाँ क्लॉक में 7 बज रहे हैं तो वहाँ आपको क्या लिखना है, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, ठीक है, इन द मॉर्निंग। फिर आपका सेकेंड है आई प्ले विथ फ्रेंड्स एट 5 o'clock इन द इवनिंग। फिर आपको फिर लिखना है इवनिंग में जहाँ 6 बज रहे हैं क्लॉक पर, थर्ड क्लॉक पर देखिए, आई डू माई होमवर्क एट 6 o'clock इन द इवनिंग। एंड फिर आपको नाइट में क्या करना है, जहाँ पर 9 बज रहे हैं क्लॉक में, वहाँ करना है आपको आई ईट डिनर एट 9 o'clock एट नाइट, ठीक है। आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रा डोज। इन ओल्डर टाइम्स पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स, पुराने ज़माने में लोगों के पास घंटे या घड़ियाँ नहीं हुआ करती थीं। दे वोक अप व्हेन द सन रोज, वो तब उठते थे जब सूरज उगता था। सूरज जब उगता था वो उठते थे। एट व्हेन सन वॉज हाई इन द स्काई, और जब सन हाई मतलब आसमान पर बिल्कुल बीचों बीच में होता था तब वो खाते थे क्या, लंच। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप व्हेन द सन सेट, और सोने चले जाते थे जब सूरज डूब जाता था, क्योंकि उनके पास क्लॉक्स नहीं हुआ करते थे, वॉचेस नहीं हुआ करते थे, तो उन्हें इसलिए टाइम का पता नहीं हुआ करता था, वो सूरज के हिसाब से चलते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बी एक्सरसाइज है, कलर द करेक्ट ब्लॉक टू नो हाउ पंक्चुअल यू आर। आप करेक्ट ब्लॉक को कलर करेंगे ये दिखाने के लिए कि आप कितने समय के पाबंद हैं। तो फर्स्ट है हमारा आई फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं अपना होमवर्क टाइम पर फिनिश करता हूँ या करती हूँ। तो समटाइम्स कभी कभी करते हैं, नेवर कभी नहीं करते, या ऑलवेज या हमेशा करते हैं। अगर आप कभी कभी अपना टाइम पर होमवर्क करते हैं तो आप सम टाइम पर कॉलम पर कर देंगे कलर। अगर आप कभी टाइम पर अपना होमवर्क नहीं करते तो आप नेवर पर कलर कर देंगे, और अगर आप टाइम पर हमेशा होमवर्क अपना करते हैं तो ऑलवेज पर कलर कर देंगे। अब नेक्स्ट है आपका आई क्राई एंड शाउट व्हेन माई पेरेंट्स वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं रोता हूँ एंड चिल्लाता हूँ जब मेरे पेरेंट्स सुबह व्हेन माई पेरेंट्स वेक मी अप, जब मेरे पेरेंट्स सुबह को उठाते हैं, मुझे मॉर्निंग में जब उठाते हैं तो मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं ना, सुबह जब उन्हें स्कूल के लिए उठाया जाता है तो रोते हैं कि नहीं मुझे बहुत जल्दी उठा दिया है। तो ऐसा आप कब करते हैं, कभी कभी करते हैं, समटाइम्स हमेशा यही करते हैं, नेवर कभी नहीं करते, या कभी कभी ऐसा करते हैं, कभी नहीं करते या हमेशा करते हैं। तो समटाइम्स करते हैं तो समटाइम कलर करेंगे, नेवर कभी नहीं करते तो कभी नहीं पर टिक करेंगे आप, मतलब कलर करेंगे, और ऑलवेज करते हैं, अगर हमेशा ही ऐसा करते हैं तो ऑलवेज पर कलर करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा आई ईट माई डिनर बिफोर 8:30 PM, मैं अपना डिनर 8:30 बजे से पहले खा लेता हूँ या खा लेती हूँ। तो कभी कभी समटाइम्स मतलब कभी कभी खाती हूँ 8:30 बजे से पहले, या कभी नहीं खाती, या ऑलवेज हमेशा खाती हूँ या खाता हूँ। तो जो भी है आपका वो आप इसमें कलर कर देंगे, आपके पास बुक्स होंगी। अब नेक्स्ट है आई ईट फास्ट टू कैच द स्कूल बस। मैं जल्दी जल्दी खाता हूँ ताकि स्कूल बस तक जा सकूँ या स्कूल बस पकड़ सकूँ। ठीक है, स्कूल बस पकड़ सकूँ का मतलब है कि स्कूल बस के लिए जल्दी से जा सकूँ, मतलब टाइम पर स्कूल बस में जा सकूँ स्कूल के लिए, स्कूल बस के पास। तो समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है, नेवर कभी नहीं होता या ऑलवेज हमेशा यही होता है। जो बच्चे लेट उठते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है कि उन्हें फिर बहुत जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करना होता है और जल्दी से भागना होता है स्कूल बस के लिए। तो आपके साथ ऐसा कब कब होता है, आप उसमें कलर कर लीजिएगा बॉक्स को। अब नेक्स्ट है फिफ्थ वाला आपका, आई रीच द बस स्टॉप वेल बिफोर द बस अराइव्स। मैं बस के पहुंचने से पहले, बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले मैं बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं। बस के पहुंचने से पहले मैं बस स्टॉप पहुंच जाता हूं या पहुंच जाती हूं। कैसा कब होता है, कभी कभी होता है समटाइम्स, या कभी नहीं होता, नेवर, या ऑलवेज, या हमेशा। तो आप कितने टाइम के पंक्चुअल हैं, आप इसमें कॉलम्स में जो भी आप करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते, या हमेशा, जो भी करते हैं आप इसमें, जो भी पॉइंट्स आपके दे रखे हैं तो उसको आपको कलरिंग करना है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है और इसे आपको बुक में करना है अपने। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।